हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर यूपी SSSC राजस्व लेखपाल भर्ती प्रक्रिया के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक वीडियो में, और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि किस इम्पॉर्टेंट जानकारी को मैं आपको यहाँ पर साझा करने आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और सिलेक्शन मेंटर इस मामले में आप लोगों को काफी पहले से भी अवगत करा चुका है कि लेखपाल की जो भर्ती प्रक्रिया है, ये अतिशीघ्र आएगी। लॉकडाउन समाप्त होने के तुरंत बाद इसका नोटिफिकेशन आने की बात पहले की गई थी, और इसी वजह से हमने आप लोगों के लिए लेखपाल का स्पेशल बैच भी चलाया था, जो अभी भी रीस्टार्ट हो चुका है, जिसको हम लोगों ने रीस्टार्ट कर दिया है। और 8,000 से अधिक पदों की यहां पर देखिए राजस्व लेखपाल की भर्ती की प्रक्रिया होने जा रही है। तो ये खबर कहां पर है, किस प्रकार की ये खबर है, इसके बारे में मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। और मैं विरद आप लोगों को अनअकैडमी पर भी मिल सकता हूं। आप मुझे अनअकैडमी में इसी नाम से सर्च करेंगे तो सर्च करके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर मैं आपको SSC की और PSC की जबरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं, और इसके बारे में हम आप लोगों को बाद में डिटेल से जानकारी देंगे। बाकी मैं आप लोगों को सिलेक्शन मेंटर में मिलता हूं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें इन नंबरों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये जो खबर है, इसको मैं लेकर के आया हूं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने यहां पर प्रस्तुत की जा रही है, रखी जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेपर की कह सकते हैं कि कटिंग है, उसको मैंने यहां पर शो किया है आपके लिए। पूरा आराम से आप यहां पर पढ़ सकते हैं। अमर उजाला के सौजन्य से यहां पर आपको यहां पर मिल रहा है। 8,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की तैयारी जो है वो यहां पर चल रही है। और देखिए पूरा मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। राजस्व लेखपाल रिक्त पदों को भरने की पिछले 3 वर्ष से चल रही कार्यवाही बेमतलब साबित हुई है। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC ने राजस्व परिषद से जून 2020 तक रिक्त पदों की भर्ती का नया प्रस्ताव मांगा है, और ये प्रस्ताव एक हफ्ते के अंदर इन्होंने मांगा है। इन्होंने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर ये हमें जो है प्रस्ताव ला करके दीजिए। और लिखा है अब तीन चयन वर्ष में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई एक साथ नए सिरों से शुरू करी जाने वाली है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कई बार इस पर जो है कह सकते हैं कि तेजी दिखाने का प्रयास किया, लेकिन राजस्व परिषद ने बिल्कुल कह सकते हैं कि ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब सख्ती बरती गई है निश्चित रूप से। तो देखा जाए 30,837 पद हैं टोटल राज्य में लेखपालों के लिए, जिसमें से 8,000 या उससे अधिक भी पद खाली हैं अभी। तो क्या 8,001 साथ ये वैकेंसी निकलेगी या अलग अलग निकलेगी, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन कब आ रहा है, अब बात यहां पर ये आती है, आपको ये जानकारी यहां पर चाहिए कि सर ये नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, आयोग को भेजने तक सरकार करीब 3 वर्ष बीत गए, फाइलें इधर उधर घूम रही हैं। पिछले पिछले दिनों यानी कि जब लॉकडाउन का समय था, और जो पिछला नोटिफिकेशन मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, जो उसमें 5,200 या 5,300 पदों की भर्ती का बात किया गया था, जो कि आयोग की तरफ से आया था, यानी कि उसको बढ़ा करके 8,000। तो अब इसका मतलब ये है कि 8,000 पदों की जो ये भर्ती है, हो सकता है वो एक साथ 8,000 पद आए, और हो सकता है कि एक साथ 8,000 पद ना आए। हो सकता है कि 5,200 पद, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, 5,200 पद पहले आए, उसके बाद दूसरे पद और बाद जो है वो बाद में निकलेंगे। फिर आगे लिखा है आयोग ने प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद चयन वर्ष 2019-20 तक रिक्त पदों का ब्यौरा प्राप्त कर भर्ती प्रक्रिया बढ़ाने का फैसला किया है, और अब आयोग ने राजस्व परिषद को चयन वर्ष 17-18, 18-19 व 19-20 के पदों का जिलावार त्रुटि रहित भर्ती प्रस्ताव कराने को कहा है। और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो मौजूदा यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो आयुक्त हैं, आयुक्त सचिव हैं मनीषा त्रिगटिया, ने ये भर्ती प्रस्ताव जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने की बात उन्होंने कही है। तो अब कुल मिलाकर के आपको यहां पर पढ़ने को मिल गया है। आपको ध्यान रखने की बात यह है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जुलाई के अंत तक, आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के अंत तक या फिर अगस्त की शुरुआत तक इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो बच्चों जुट जाओ एकदम तैयारी के लिए। सिलेक्शन मेंटर आप लोगों को पहले से तैयारी करा रहा है, पहले से सारी चीजें यहां पर दे चुके हैं। जल्दी से मैं एक नजर आपको ये बता देता हूं कि आखिर यहां पर अगर देखा जाए जो ये राजस्व लेखपाल की जो भर्ती प्रक्रिया होती है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं तो आपको यहां पर पता चलेगा कि इसमें आता है आपका, इसमें जो है आपका आएगा मैथ, उसके बाद हिंदी,
और जीएस, ये तीन मुख्य सब्जेक्ट अभी तक आते रहे हैं। इसके अलावा इसमें ग्रामीण परिवेश, इसको बोलते हैं ग्रामीण परिवेश, ठीक है, ग्रामीण परिवेश से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हुआ करते थे पहले 80 नंबर के आते थे, प्रेजेंट टाइम में इसके कितने मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स के हिसाब से अगर इसको देखा जाए, 80 नंबर रिटेन के होते थे और 20 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के होते। तो अब आपका इंटरव्यू नहीं है तो 80+20 100 मार्क्स का एक पूरा पेपर होगा। तो ये जो 20-25 क्वेश्चन आया करते थे, 25-25 क्वेश्चन आया करते थे, तो ऐसा आकलन लगाया जा रहा है अभी तक कि चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, या हो सकता है कि कुछ नया सब्जेक्ट जोड़ा जाए, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, आप तैयार रहिए, कम से कम इतने सब्जेक्ट्स के साथ तो तैयार ही रहिए, मैथ्स, हिस्ट्री, मैथ्स जो है उसके बाद हिंदी, उसके बाद जीएस और ग्रामीण परिवेश का जो यूपी जीके का जो पूरा आता है, यूपी जीके का जो ग्रामीण परिवेश आता है वो। अब मैं इसमें आप लोगों को अगर देखूं तो यहां पर जितना भी जीएस का पोर्शन है बेटा वो पूरा तैयार मैं स्वयं कराता हूं। इसके अलावा आपको यहां पर मैथ्स भी पढ़ने को मिलेगी, मैथ्स भी पढ़ने को मिलेगी। हिंदी के लिए तो मैं एक तरीके से आपको गारंटी लेता हूं कि अगर मैंने जो जो चीज आपको हिंदी में पढ़ा दी, इससे बाहर से यूपी ट्रिपल एससी क्या यूपीपीएससी में कुछ नहीं आएगा, आप ये मान लीजिए। इस इतना मैं आपको गारंटी देने की बात कर रहा हूं, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना दावेदारी यहां पर करी जा रही है। अगर आपने उतना पढ़ लिया तो ठीक है, पूरा यूपी ग्रामीण आपको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप एकदम रट डालेंगे, एकदम इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, आप ये समझ लीजिए। बस एक बार फिर से जो है तैयारी करने का जज्बा जो है आप उठा लीजिए और पढ़ना जो है वो शुरू करिए, पढ़ाई करना शुरू करिए। तो 8000 पदों में से आपका एक पद होना चाहिए। भर्ती से संबंधित जानकारी अगर आपको किसी प्रकार से चाहिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने जिन्होंने ट्रिपल सी नहीं किया है उनसे निवेदन है कि वो ट्रिपल सी कर लें। हालांकि ट्रिपल सी इसमें मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा ये तो आयोग के बाद में आने वाला जो नोटिफिकेशन है उससे ही क्लियर होगा। और किस प्रकार से करना है, इसका किस प्रकार से फॉर्म भरना है, अगर आप नहीं जानकारी रखते हैं तो आप यहां पर मुझसे संपर्क करिए, ठीक है, इन नंबरों पर मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है ये सब काम हो सकता है। हालांकि हो सकता है कि ट्रिपल सी ना भी मांगा जाए, ये भी हो सकता है। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी हूं, यहां पर प्लस प्रोग्राम्स के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं। अनअकैडमी के प्लस प्रोग्राम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अनअकैडमी पर मुझे विरत दुबे नाम से सर्च करके देख सकते हैं। और ये बेनिफिट्स हैं जो अनअकैडमी प्लस में पढ़ते हैं मुझसे वो जानते होंगे अच्छी तरीके से कि कितना बेहतरीन तरीके से वहां पर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो ये वो कोर्सेज हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आपको इसको पढ़ना चाहिए। ये यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने पढ़ाया है आपको इसमें। इनफैक्ट यूपी पीसीएस लेवल में अगर आप पढ़ते हैं या पीएससी लेवल में पढ़ते हैं तो आपको पीएससी लेवल में आप पढ़ते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदे पहुंचाने वाली है। लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ये समझ लीजिए, लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरी ख्याल से आपको ये कोर्स जरूर ले लेना चाहिए और जो प्रीवियसली मैं पढ़ा चुका हूं उसको भी आप पढ़िए। प्रेजेंट टाइम में इसका सेकंड पार्ट चल रहा है, आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी में आपको एसएससी सेलेक्ट करना है। एसएससी के अंदर मैं सोच के देखिए कि मैं पीएससी की तैयारी करा रहा हूं कितना जबरदस्त तरीके से, तो आपको कोड अप्लाई करना है VIRAD10 विराट 10। ये कोड अप्लाई करते ही आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, हालांकि इससे ज्यादा भी डिस्काउंट की सुविधा यहां पर मौजूद है। ये कोर्स मैं सीपीयू के लिए चला रहा हूं और लेखपाल के लिए भी जल्द ही एक कोर्स मैं यहां पर लेकर के आने वाला हूं अनअकैडमी पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के, और सिलेक्शन मेंटर पे भी ये चलता रहेगा। इस तरीके से आपको यहां पर ये अप्लाई करना चाहिए 24 महीने में। यहां पर विराट 10 कोड डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, पेमेंट देंगे, आपका तुरंत जो है डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। आप यहां पर हमें कह सकते हैं कि टेलीग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर या इन लिंक्स पर। बेटा मैं जो बता रहा हूं आप ये समझिए कि मैंने आपको जीएस पढ़ाया हुआ है, कह सकते हैं जीएस पढ़ाया हुआ है आपका, इस पे सिलेक्शन मेंटर पे मैंने काफी अच्छे से आपको जीएस पढ़ाया हुआ है। हिंदी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, सुबह 7 बजे हिंदी का बैच चलता है, जरूर इसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर यहां पर दिए हुए हैं, इन नंबरों पर अपना नाम लिखेंगे आप, इन नंबरों में अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद नीचे लिखेंगे लेखपाल, ऐसे लिख करके आप मैसेज करिए, आपको लेखपाल वाले ग्रुप में जोड़ा जाएगा। और अभी तक लेखपाल वाले ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता था, तो जो लोग ऑलरेडी लेखपाल वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं, अब इनको यहां पर स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी मिलेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ, 8000 पदों की वैकेंसी में से एक पद आपका भी होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो
मेरी ख्याल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से मिल गई है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों को बताइए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो पाए। और सुबह 7 बजे हिंदी की क्लासेस में, लेखपाल स्पेशल हिंदी की क्लास में आना ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।